बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, कपास एक मुनाफा बख्श नकद आवर फसल है। इस फसल से मुल्क जर मुबादला कमाता है। पंजाब कपास की बेहतर पैदावार के लिए कोशां। जहानिया समेत जनूबी पंजाब भर में रवां साल 45 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई है। इस वक्त जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में है। कपास की फसल फूल गुड्डी बनने के मरहले में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत की टीमें कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है, जो किसानों को कपास की बेहतरीन निगहदाश्त के हवाले से मुफीद मशवरे दे रही है। ज़री माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी में कपास को पानी देने का खसूसी ख्याल रखा जाए। कपास की फसल इस वक्त एक अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि जो कपास की फसल में जड़ी बूटियां हैं उनका बरवकत तदारक करें, क्योंकि जड़ी बूटियां जो हैं वो हवा, रोशनी, पानी, खुराक, इसके लिए मेन फसल का मुकाबला करती हैं और मेन फसल को कमजोर कर देती हैं। कपास को मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इस वक्त हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत की तमाम तर तवज्जो कपास की औसत पैदावार बढ़ाने पर है। किसानों को चाहिए कि महकमा ज़राअत के मुफीद मशवरे से फायदा उठाएं। हुकूमत भी किसानों को सहूलियात देते हुए जरी अद्वियात, खाद, बिजली और डीजल की कीमतों में फौरी कमी का ऐलान करे। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बटर, रोही न्यूज़, जहानिया।